Hello students, welcome back to BBVN online classes, and we were discussing about the chapter 2, that is acids, bases and salts. And today we are going to discuss about the strong acid and strong bases. This is the important topic of this chapter, strong acid or base. स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड बेस से मीनिंग होता है कि अगर कोई एसिड अपने एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, और अगर कोई बेस जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे हम बात करें HCl की, तो अगर HCl को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है. इस तरीके से एक्वस मीडियम में क्या होता है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 100 ही हमें H प्लस मिलते हैं और 100 ही हमें Cl माइनस मिलते हैं, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं बचता है आफ्टर द डिसोसिएशन. तो ऐसे एसिड्स को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं. इसी तरीके से वीक स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से होते हैं, जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. इस तरीके से कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. एक्वस मीडियम का मतलब होता है पानी में डिसॉल्व करने पर. तो ये जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, दीज आर कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इन देयर एक्वस मीडियम. फिर हम बात करते हैं वीक एसिड और बेस का. वीक एसिड और बेस, तो वीक एसिड और बेस क्या होते हैं, दीज आर नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड. ये कम्प्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं इनटू देयर एक्वस मीडियम. एक्वस का मतलब होता है वाटर सॉल्यूशन. एक्वस मीडियम, ठीक है, तो ये अपने एक्वस मीडियम में कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं. फिर जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ द पीएच स्केल. पीएच मीन्स पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच का मीनिंग क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन. पीएच क्या करते हैं, आप लोगों को पता है पीएच जो होती है एक स्केल है या एक मेजरमेंट है, जिससे हम एसिड और बेसिक नेचर को मेज़र करते हैं और सॉल्यूशन का टाइप बता सकते हैं, नेचर बता सकते हैं कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. तो जो पीएच स्केल होता है ये कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14. कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 14, और बीच में क्या आएगा यहाँ पर, 7. तो 7 से बिलो जब हम चलते हैं देन सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर. 7 से ऊपर की तरफ चलते हैं देन सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. और 7 पे जो जिसकी सॉल्यूशन की पीएच 7 होती है, दैट इज़ न्यूट्रल. वो कैसा होता है, न्यूट्रल. ठीक है, वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा. फिर हम बात करते हैं जैसे वाटर, पानी. वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है. वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, 7. वाटर की पीएच कितनी होती है, 7. जबकि हम बात करते हैं 0 to 1. 0 to 1 अगर पीएच की बात करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की होती है. किसकी होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स की. ठीक है, जबकि हम बेसिस की बात करें तो 14 किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस का. स्ट्रॉन्ग बेसिस जैसे NaOH, KOH, इनकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 14. स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करें तो HCl, HNO3, H2SO4, दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड्स. इनकी पीएच कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक मिलती है हमें, 0 से 1. ओके, फिर हम बात करते हैं पीएच के बाद में कुछ जो एग्जांपल्स हैं जो हम डेली लाइफ में, जैसे कि हम ब्लड की बात करते हैं, तो ब्लड कैसा होता है, ब्लड स्लाइटली कैसा होता है, बेसिक इन नेचर. इसकी पीएच कितनी होती है ब्लड की, 7.3 टू 7.5 के बीच में होती है, यानी कि 7 से जस्ट थोड़ा सा ऊपर. तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ब्लड कैसा होता है, स्लाइटली बेसिक होता है. स्लाइटली बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है, हल्की सी 7 से ऊपर होती है. तो 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे तो बेसिक नेचर क्या होता है, बेसिक नेचर इंक्रीज होती है. बेसिक नेचर विल इंक्रीजेज. ठीक है, 7 से बिलो चलते हैं हम, 7 से बिलो चलेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में चलेंगे तो एसिडिक नेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा.
इधर चलेंगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा, उधर चलेंगे तो बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, ठीक है। जैसे जैसे पीएच बढ़ती है, जैसे जैसे पीएच बढ़ती है तो बेसिक नेचर बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे पीएच कम होती जाती है तो एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। पीएच का जो फॉर्मूला होता है, वैसे तो हमारी सिलेबस में नहीं है बट फॉर्मूला फिर भी आप लोग ध्यान रखना, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन, द कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन। एच प्लस हमें कौन देते हैं? एसिड्स। जब भी कोई एसिड डिसोसिएट होता है तो वो हमें एच प्लस आयन्स देते हैं। इन एच प्लस की क्वांटिटी बढ़ती है तो पीएच घटती जाएगी, एच प्लस की क्वांटिटी बढ़ेगी तो पीएच कम होती जाएगी, पीएच कम होगी तो हमें पता है ना पीएच कम होगी तो एसिडिक नेचर होगा, यानी कि वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक सोल्यूशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हम कॉफ़ी की बात करें तो कॉफ़ी कैसी होती है? एसिडिक। कॉफ़ी की नेचर कैसी होती है? एसिडिक, क्योंकि इसकी पीएच कितनी होती है? 4.5 to 5.5, ठीक है। हमारे जो स्टोमक होता है, हमारे स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होता है, तो हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो HCl एसिड बनता है उसकी पीएच आती है 5.4, ठीक है, यानी कि वो ज़्यादा एसिडिक नहीं है, यानी कम एसिडिक नेचर हमारे गैस्ट्रिक जूस की होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पीएच है जो हमें याद करके रखना है, क्योंकि हो सकता है हमारे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव्स में इनको पूछ लिया जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं द यूज़ ऑफ पीएच स्केल इन डेली लाइफ, पीएच इन डेली लाइफ। पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डेली लाइफ में। सबसे पहले तो हम पीएच की बात करते हैं तो हम आ जाते हैं अपने स्टोमक पर, ठीक है। तो स्टोमक में क्या होता है? स्टोमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस डेवलप होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? बनता है। और गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस में कौन होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। पीएच कितनी होती है? 5.4। अब इसका रोल क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में? तो जो HCl सीक्रेट होता है या HCl प्रोड्यूस होता है इन गैस्ट्रिक जूस, ये इट किल्स द बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? बैक्टीरिया को और जर्म्स को किल कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि इस एसिडिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते। हम पानी पीते हैं, हम खाना खाते हैं, तो बहुत सारे बैक्टीरिया को हम फूड के साथ में ले लेते हैं, तो वो बैक्टीरिया को HCl वहाँ से रिमूव कर देता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि कई बार आपने वर्ड सुना होगा एसिडिटी, आपने घर में भी बहुत लोगों से सुना होगा कि हमारे यहाँ एसिडिटी हो जाती है पेट में। आपने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे कि एसिडिटी हो जाती है, तो इनो पियो, ठीक है, इनो पीते हैं। तो एसिडिटी क्या है? एसिडिटी का मीनिंग क्या है? अगर पीएच हमारे गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो है वो बिलो हो जाए 5.4 से, इतनी पीएच से वो कम हो जाती है पीएच अगर हमारे गैस्ट्रिक जूस की, तो हमें किसकी शिकायत होगी? एसिडिटी की शिकायत हो जाएगी। हमारे गैस्ट्रिक स्टोमक में एसिड की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारे स्टोमक में हमें इरिटेशन होने लगती है, ठीक है। तो एसिडिटी से हमें रिलीफ कैसे लेना है? रिलीफ के लिए हमें क्या करना होगा? रिलीफ के लिए हमें जो होगा माइल्ड बेसिस को क्या करना होगा? इन खाना होगा या लेना होगा। तो माइल्ड बेसिस का मतलब क्या होता है? या तो हम बेकिंग सोडा, ठीक है, या हम सोडा वाटर पीते हैं, ठीक है, सोडा वाटर तो रहने दीजिए, बेकिंग सोडा। और एक ड्रग होती है, एक मेडिसिन होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंटासिड। और एंटासिड में क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो बोलते हैं, ये मिला हुआ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो हम जब भी हमें एसिडिटी की शिकायत होती है तो हम एंटासिड्स लेते हैं। हमें डॉक्टर्स कौन सी दवाई देता है? एंटासिड देता है, एंड इट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का सॉल्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है डेली लाइफ में हम पीएच का और कहाँ इम्पोर्टेंट है? इन आवर सॉइल। जब भी आप प्लांट्स ग्रो करते हो तो अलग अलग प्लांट्स के लिए सॉइल की नेचर भी अलग अलग होनी चाहिए। कुछ प्लांट्स जो है वो एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं, कुछ प्लांट्स जो है वो बेसिक सॉइल में ग्रो करते हैं। नेक्स्ट आता है टूथ डिके।
ठीक है। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि दांतों में कीड़ा लग गया है, एक्चुअल में वो दांतों में कीड़ा नहीं होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज टूथ डिके। और टूथ डिके किस वजह से होता है, हम खाना खाते हैं, माउथ वॉश नहीं करते हैं, ब्रश नहीं करते हैं, तो हमारे जो टीथ के बीच में जो वैकेंट स्पेस होते हैं वहाँ पर कौन चला जाता है, फूड पार्टिकल्स। अब वो टीथ के बीच में जो फूड पार्टिकल जाता है तो हमारे माउथ में जो बैक्टीरिया होते हैं जो कि डिकम्पोजर्स होते हैं, वो उन फूड पार्टिकल्स को डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, HCl जो है वो सीक्रेट होता है। तो टूथ डिके किसकी वजह से होता है, HCl इज सीक्रेटेड इन आवर माउथ, इन माउथ किसकी वजह से, बाय द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द डिकम्पोजिंग फूड पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये जो HCl सीक्रेटेड होता है, इस HCl से क्या होगा, हमारा जो टूथ बना होता है, टीथ हमारे किसके मिलके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के और कैल्शियम सल्फेट के, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट किसकी नेचर कैसी होती है, बेसिक। तो ये HCl क्योंकि हमारा टूथ बेस है और HCl एसिड है, तो बेस और एसिड के बीच में कौन सी रिएक्शन हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे हमारे जो टीथ हैं वो इस HCl की वजह से क्या हो जाते हैं, टूटने लगते हैं या कैविटी बन जाती है, डिकम्पोज होने लगता है। तो इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए, टू टाइम्स ब्रश करना है और साथ में क्या करना है, माउथ वॉश करना अच्छे से। तो ये हमारी इसको रोकने के लिए हम कर सकते हैं माउथ वॉश, ठीक है। नेक्स्ट जो है पीएच इन डेली लाइफ, नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं इसमें, वो है एंट बाइट या नेटल बाइट। एंट बाइट क्या होता है, जैसे रेड एंट होती है जिसमें फॉर्मिक एसिड होता है, मैंने आपको बताया भी था कि फॉर्मिक एसिड इंट्रोड्यूस कर देती है रेड एंट जब हमारी स्किन पे बाइट करती है, तो ये फॉर्मिक एसिड हमारी स्किन में चली जाती है, तो इसकी वजह से रेडनेस होने लगता है, इरिटेशन होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है। और इसके रिलीफ के लिए हम क्या करते हैं, माइल्ड बेस यानी कि सॉफ्ट, ठीक है, माइल्ड बेस यानी वीक बेस का क्या करेंगे, हम पेस्ट बना के उसको धीरे धीरे वहाँ पे रब करते हैं, तो उसकी वजह से हमारा वहाँ से जो है हमें रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।